नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। कल शहर में नगर निगम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान का फिरोजाबाद व्यापार मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। आज नगर निगम में कई व्यापारी व्यापार मंडल के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए और नगर निगम मुर्दाबाद जैसे नारे लगाने लगे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अम्बेश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अतिक्रमण हटाओ नगर निगम का तरीका बहुत गलत है। ठेले और पथ विक्रेताओं के चालान व्यापार मंडल बर्दाश्त नहीं करेगा। नगर निगम का हटीला रवैया, बिना पूर्व सूचना के गलत तरीके से लोगों के चालान काटना तानाशाही को दर्शाता है। अगर नगर निगम नहीं माना तो व्यापार मंडल धरना और आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। आज हम लोग अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार रॉय को ज्ञापन सौंपकर धरना समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आगे से नगर निगम द्वारा इस तरह की कार्यवाही की गई तो हम लोग धरना देंगे। और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में ऋषि पंडित के साथ। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो व्यापारियों के द्वारा सर्वोच्च न्यौछावर का तन मन धन से योगी आदित्यनाथ जी को चुना गया, योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश दिया है कि बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। व्यापार मंडल और व्यापारी उसका दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी वो तानाशाह के रूप में कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का ये आदेश नहीं है कि किसी का चालान किया जाए। मुख्यमंत्री जी का ये आदेश नहीं है कि अतिक्रमण के नाम पर मोटरसाइकिलों को इकट्ठा किया जाए। मुख्यमंत्री जी का ये आदेश नहीं है कि नगर निगम का जो स्वास्थ्य पार्क का कार्यालय है उन मोटरसाइकिल को अपने विभाग को छोड़ के अन्य व्यापारियों की मोटरसाइकिल का चालान किया जाए। ये मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं है। मुख्यमंत्री जी का आदेश ये था कि पहले व्यापारियों से संवाद किया जाए। नगर निगम के जिम्मेदार लोग एक टीम बनाकर व्यापारियों से मिलें और व्यापारियों से कहें कि मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि आप अतिक्रमण मुक्त शहर को बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के साथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के तहत कार्य क्या किया गया। कल शास्त्री बोर्ड से सुभाष पार्क से एक जो है व्यापारियों के उत्पीड़न का चालान के रूप में एक चाय विक्रेता बेचारा, उसका 750 रुपए का जबरदस्ती गुल्लक से पैसे निकाल के चालान किया गया। एक ठेला विक्रेता जो फल बेच रहा था उसके 500 रुपए का भी चालान किया गया। क्या मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि चालान करो तो किसी से 500, किसी से 700, किसी से 200, किसी से 2000, किसी से 50,000। ये अगर मुख्यमंत्री जी का आदेश है हम व्यापार मंडल के लोग स्वागत करेंगे, लेकिन उसकी कॉपी हमें दी जाए कि ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि पहले चालान उसके बाद मटाओ अभियान। इसके लिए हमने कल भी उसका विरोध किया था कि ये जबरिया ये जो जो चालान किए जा रहे हैं हम इसके विरोध में हैं। इसीलिए हम नगराची से मिलने आए थे, हमारी नगराची हमें नहीं मिली है, हम यहाँ बैठे हैं। हमारे जो है कोई भी एक संबंधित अधिकारी हमारा ज्ञापन ले और हम अपनी बात उनको बताएंगे कि आपको अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना था। सबसे पहले प्राइवेट ट्रामा सेंटर पर चलाना था, जहाँ से कम 500-700 मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, जहाँ के अवैध मतलब 4 फोर व्हीलर खड़े रहते हैं और सरकारी ट्रामा सेंटर की जो एम्बुलेंस है वो भी निकल नहीं पाती है। वहां से चालन पहले जो है चालन शुरू करने का नगर निगम पर धरना दे रहे और हमारी ये मांग है, हमारा ज्ञापन लिया जाए और जो है निष्पक्ष कार्रवाई की जाए।